जिंक ने अगले 2 साल में दुनिया की सबसे बड़ी जिंक कंपनी बनने का लक्ष्य रखा है। कंपनी के सीईओ अरुण मिश्रा से बात की जी बिजनेस के संवाददाता अमरीश पांडे ने। सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि अपने तरह का ये पहला समिट कहें भारत में हो रहा है, किस तरह का एक्सपेक्टेशन है आपको इस समिट से? इस समिट से, क्योंकि इंडिया आज वर्ल्ड का टॉप 5 इकोनॉमीज में है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। इंडिया बहुत जल्दी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है बाय 2030, जैसे मंत्री जी ने भी बताया सबको। तो इस जो ये जो ग्रोथ है, इंडिया का जो प्रोग्रेस है, उस प्रोग्रेस में जिंक का हिस्सा बहुत बड़ा रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा ग्रोथ जो है वो केवल ज्यादा से ज्यादा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ से होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बढ़ेगा उसमें जिंक गैल्वनाइजिंग होगा, तो क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग का सस्टेनेबल होगा और वो फ्यूचर में उतना कोरोजन कम होगा। तो ये हम लोगों का उम्मीद है कि इस तरह का जो आज जो सेमिनार होगा, इससे लोगों की जानकारी बढ़ेगी और सरकार जो है इस दिशा में सारे कदम रखेंगे कि केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ नहीं, उसमें गैल्वनाइज स्टील के एप्लीकेशन और ज्यादा हो। तो सरकार अपना कैपेक्स पर खर्च बढ़ा रही है, स्टील का कंजम्पशन बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा जो कंजम्पशन है वो बढ़ा है, जिंक का जो कंजम्पशन है आपको उम्मीद है कि उससे बढ़ेगा, रेवेन्यू टर्म्स में अगर बात करें तो वो कितना हो सकता है? तो जिंक का करीब ग्रोथ इंडिया में जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है, जब हमारा स्टील का ग्रोथ 10 से 12% होता है तो जिंक का ग्रोथ करीब 3 से 4% होता है। तो हम लोग करीब इंडिया में हिंदुस्तान जिंक का टर्नओवर करीब 32,000 करोड़ है, रफली 30 से 32,000 करोड़, तो उसके ऊपर में 2 से 4% ग्रोथ उसमें देखने मिलेगा। लगातार जिस तरह से सेक्टर एक्सपेंड कर रहा है हिंदुस्तान जिंक, क्या अलग इसको एंटिटी हम वेदांता की तरफ से अलग एंटिटी बनाने जैसी कोई बात है उस खबर पे, साथ साथ आगे जो निवेश होगा, मतलब किस तरह का केपेक्स आप प्लान कर रहे हैं कंपनी के हिसाब से? नो, हिंदुस्तान जिंक ऐसे ही अलग एंटिटी है। वेदांता ग्रुप में हिंदुस्तान जिंक एक अलग से अपने आप पे लिस्टेड एंटिटी है, जिसमें कि करीब 29.5% शेयर गवर्नमेंट के हाथ में है और करीब 3-4% शेयर मार्केट में है। तो इसीलिए हम लोग अलग एंटिटी है, लिस्टेड एंटिटी है। अब इसके ग्रोथ के बात है, ऑफकोर्स हिंदुस्तान जिंक कैश रिच कंपनी है, बहुत अच्छा कैश फ्लो वाली कंपनी है, करीब 48-50% प्रॉफिट लेवल वाली कंपनी है, तो इसका फ्यूचर भयंकर ब्राइट है। और हिंदुस्तान जिंक मेरे समझ से आज के डेट में हम लोग वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है, हो सकता है 1-2 साल के अंदर हिंदुस्तान जिंक विल बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जिंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी।